हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर के एक एरर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। अगर आपको भी अपने प्ले स्टोर पर कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो है दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको एक बार अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद जो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स पर क्लिक करना होगा। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना होगा। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को थोड़ा वेट कर लेना होगा। वेट कर लेने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे फोरस्टॉप पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और आपको दोबारा से क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद जो दोस्तों आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा गूगल प्ले सर्विस। गूगल प्ले सर्विस सर्च करने के बाद जो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे फोरस्टॉप पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद जो दोस्तों आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको मैनेज स्पेस पे क्लिक करना होगा। मैनेज स्पेस पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद जो दोस्तों आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना होगा। एडिशनल सेटिंग पर दोस्तों एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम पे क्लिक करना होगा। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को ऑन कर देना होगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा और अपने फ़ोन को एक बार रिबूट या रिस्टार्ट कर लेना होगा। अगर आपके मोबाइल में रिबूट या रिस्टार्ट नहीं है तो आपको पावर ऑन या ऑफ कर देना होगा। उसके बाद जो दोस्तों आपको मैं आप दिखा भी देता हूँ, जैसे ही हम अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों हम प्ले स्टोर ओपन करने के लिए जाते हैं तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारा प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा था, तो अब ये हमारा प्ले स्टोर वर्क कर रहा है। मैं दोस्तों आपको कुछ डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे VPN सर्च करेंगे तो मैं आपको कोई भी एक VPN डाउनलोड करके दिखा दूंगा। जैसे ही दोस्तों हमने VPN सर्च किया तो हम यहाँ पे एक VPN को डाउनलोड करते हैं। देख लीजिए दोस्तों जैसे ही हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये हमारा डाउनलोड होने लग रहा है। होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।